एक बार मैं फिर से समप कर देता हूँ कि ब्रह्मास्त्र क्यों फ्लॉप होगी ब्रह्मास्त्र इसलिए फ्लॉप होगी क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी करण जौहर आलिया भट्ट रणबीर कपूर शाहरुख खान ये जितने भी स्टार हैं इनके इनके अहंकार में कोई कमी नहीं आई है अहंकार तो इतना है कि अपनी जो करतूतें हैं उनकी तरफ तो देख नहीं रहे और करवा क्या रहे है? कहीं किसी छोटे मोटे के आर के को अरेस्ट करवा देते हैं कमाल खान को भाई तो कमाल खान के अरेस्ट करने से क्या हो जाएगा आपको क्या लग रहा है कि लोग बाइकआउट इसलिए कर रहे थे कि वो वीडियो बना रहा था आपके खिलाफ वो तो अभी भी बनेंगे जेम्स ऑफ बॉलीवुड के पीछे लग जाओ उसको दल्ला बोलने लगो फिर जो है वो तरह तरह के बयान आपके एक्टर और एक्ट्रेसेस दे रहे हैं रणबीर कपूर के बारे में तो मैं बताता हूँ आलिया भट्ट ने कहा इफ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी अच्छा ठीक है आ, यही आप करण जौहर साहब ने भी यही कुछ कुछ इसी तरह से फरमाया कि भाई आपको पसंद ना हो तो मत देखिए आप यदि गर्जे नहीं कर रहे हैं ऑडियंस की तो फिर इतना परेशान क्यों है इतनी एंजाइटी क्यों है एक अलग से ट्विटर अकाउंट चल रहा है ब्रह्मास्त्र का उस पर तरह तरह के प्रमोशन्स किए जा रहे हैं कुछ पेड लोग हैं वो बता रहे हैं, ब्रह्मास्त्र तो आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म है इससे बड़ी फिल्म तो कोई आई नहीं और, और तो और एस एस राजामौली को भी ले आए और उनसे भी प्रमोशन में एक ट्वीट लिखवा लिया तो वो ट्वीट यदि आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इस ट्वीट में टोटल जो रिट्वीट है वो है दो और उसके जो नीचे रिप्लाई हैं जिनमें सब ने राजामौली से ये कहा है कि भाई आप रहने दो इस चक्कर में मत पड़ो और उसके ऊपर 500 सौ कोट ट्वीट है वो भी यही कह रहे हैं यानी कि रीट्वीट तो है 2500 और एडवाइस है 3000 तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जनता का रुख क्या है क्यों क्योंकि हमारे रणबीर कपूर साहब तो उनकी तो रोज़ एक से एक कारनामे जो है वो सामने आ रहे हैं उनको सबने जो है वो ड्रगी के रूप में तो पहले देखा ही है उसके बाद फिर उन्होंने जो अपना जो बिग बीफ गाय गाए बिग बीफ गाय वो तो चल ही रहा था चलिए खैर उसकी कोई बात नहीं बाद में पता चला कि वो जो है वो भगवान जगन्नाथ के बारे में भी मजाक कर रहे हैं बिकनी अब नहीं टिकनी और मेरा हाथ जगन्नाथ अब इन दोनों का क्या संपर्क है और क्या इनका रिलेशन है वो आप देख के ही बता सकते हैं फिर गणपति बप्पा यानी कि गणेश चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी के बीच में जो गणपति वार है जो गणपति का वास होता है जिसमें दक्षिण भारत में यानी विंध्य पर्वत के दक्षिण में उस पीरियड में आपका वो चल रहा है एक क्लिप जिसमें आप जो है वो कुछ मस्ती मारने के मूड में तो गणेश जी का मुंह जो है वो पीछे की तरफ कर देते हैं तो इस तरह के आप एक्टर लेके जलालुद्दीन रूमी का जो पात्र था वो उससे करा रहे हैं और उसको आपने बदल के कर दिया शिवा पहले नाम था ड्रैगन फिर हुआ ब्रह्मास्त्र अब ब्रह्मास्त्र द शिवा तो भाई इससे करने से जनता बेवकूफ नहीं बनती जनता को हम लोग बहुत एजुकेट कर चुके हैं और केवल जेम्स ऑफ बॉलीवुड और केआर खान ने नहीं किया कमाल खान ने नहीं किया जयपुर डायलॉग्स भी है उसमें बारी कंट्रीब्यूट करने वाला और जयपुर डायलॉग्स के अलावा और कम से कम नहीं तो 10-20 और यूट्यूबर और ट्विटर अकाउंट हैं जो लगातार आपके इन मूर्खताओं को उजागर कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की किस्मत का सिकंदर बन गया यानी आप देखिए क्या कहानी क्या है ऐसी अजीब सी कहानी है कि साहब उसमें जो है जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उनमें आत्मा प्रवेश कर जाती और वो अस्त्र शस्त्र जो हैं वो बिल्कुल एक तरह से जैसे पुराने ज़माने में असर हुआ करते थे उस तरह से करके और चारों तरफ हरकतें करते घूम रहे वनरास्त्र बन जाता है कौन शाहरुख खान हमारा प्यारा शाहरुख खान जो आजकल आपको पता है इस बार शाहरुख खान ने भी घर पे गणपति आमंत्रित किए आपको पता है कि नहीं पता है हाँ सलमान खान का तो सबको पता है वो तो सदैव करते रहे उनके तो पुराने यहां घर की परंपरा है इसलिए उनको तो हम कुछ नहीं कहते लेकिन ये जो है ये नया नया कन्वर्ट है ये नया नया हिंदू बनाए देखिए तो आप इसी तरह से चलता रहा तो ये सारे के सारे हिंदू बनेंगे और सारे के सारे हमारे आपके पास आके ज्ञान लेंगे कि भाई जरा बताओ कि किस तरह से परंपरा निभाई जाती है किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है और हम इनको फिर उसमें इंस्ट्रक्ट करेंगे अब एक और जैसे कि जिसको बोलते हैं ना सोने में सुहागा तो सोने में सुहागा एक कोई श्रीमी वर्मा निकल आई इनकी डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है धर्मा प्रोडक्शंस की उनकी अगर आप कहानी किससे सुनो तो तो वो तो बिल्कुल चौंकाने लायक है वो तो कहती हैं कि साहब के क्या है कि भक्त डू नॉट हैव डिक एनर्जी अब वो डिक एनर्जी अर्बन स्लैंग में कुछ भी होता होगा लेकिन सबको पता है कि डिक क्या है एनर्जी क्या है और उससे क्या अर्थ निकल सकते हैं और उसके बाद के जो उनके ट्वीट है वो बिल्कुल यही दिखा रहे हैं कि जो लो, लोग जो उसका मतलब निकाल रहे हैं अश्लील मतलब उनका वही है और उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि इस समय रिसर्च विंग कितना स्ट्रॉग है हमारे भक्तों का और दो भक्तों ने उनके सारे पुराने ट्वीट्स निकाल लिए उनके गौमूत्र जोक्स निकाल लिए उनके मोदी जोक्स निकाल लिए उनके भक्त जोक्स निकाल लिए और फिर करण जौहर से जवाब तलब होने लगा तो करण जौहर के पास बेचारों के पास कोई जवाब तो है नहीं मुझे लगता है कि वो श्रीमी वर्मा को अगर नौकरी से निकाल दें और इसको पब्लिसाइज कर दें तो हो सकता है कोई दस पाँच फर्क पड़ जाए इससे ज़्यादा वो पढ़ने का नहीं है और क्या कर रहे हैं भाई लोग अब आप ये देखिए कि रणबीर कपूर का तो हमने बात कर ली रूमी वानराज श्रीमी वर्मा के आर के अरेस्ट ये सारी बातें हो गई लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि घबराहट कितनी है घबराहट दिखती है अब आयान मुखर्जी जो डायरेक्टर है अब वो अन मुखर्जी जो है उनको सामने कर दिया गया है कर्ण जो और पीछे हो गए हैं और देखिए एस एस राजा मौली ने जब प्रमोट किया ब्रह्मास्त्र उन्होंने अयान का ही नाम लिया और अन मुखर्जी के नाम से अब इसको किया जा रहा अब अयान मुखर्जी कह रहे हैं कि मैं नर्वस हूँ एक्साइटेड हूँ इत्यादि इत्यादि अरे तुम कितने नर्वस हो जाओ तुम कितने एक्साइटेड हो जाओ इस ब्रह्मास्त्र का तो एक ही अश्र होना है इसका एक ही रिजल्ट है इसका एक ही परिणाम है अरे इसका एक ही प्रारब्ध है और वो है विनाश ध्वस्तीकरण फ्लॉ जय श्री राम